हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट। और आज बेसिक बेसिक चीजों को समझेंगे डिटरमिनेंट में, किस तरीके से आप अगर कोई डिटरमिनेंट दिया है तो उसे इवैल्यूएट कैसे करोगे। बच्चों बेसिकली डिटरमिनेंट जो है आपको यहाँ पर स्क्वायर ऑर्डर में दिया रहेगा। जैसे इसे आपके बुक में क्या किया है ना कि डिटरमिनेंट के बाद मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैट्रिक्स में जो हम ऑर्डर देते हैं यहाँ पर जो आप मैट्रिक्स लिखते हो, जैसे मान लो ए बी सी डी, तो ये आपने 2x2 ऑर्डर में लिखा, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हमने दो रो लिया और दो कॉलम्स लिया, ठीक है ना। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, टू रो या टू कॉलम। तो मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बच्चों डिटरमिनेंट को प्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, कि डिटरमिनेंट हमेशा आपको ना स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में। कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जैसे कि यहाँ पर जो भी डेटा हमें मिलेगा 1 2 3 4, देखो ये इसमें 2x2 ऑर्डर मिलेगा, 2x2 ऑर्डर, या फिर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो ये हमें क्या मिला, 3x3 ऑर्डर मिला। आपको ना इस तरीके से डिटरमिनेंट नहीं मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 6, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी डिटरमिनेंट मिलेगा किस ऑर्डर में मिलेगा, या तो 2x2 ऑर्डर या 3x3 ऑर्डर, बस समझ रहे हैं ना। या फिर आप 4x4 ऑर्डर भी बना सकते हो नो डाउट, लेकिन अभी हम लोगों को 3x3 ऑर्डर में ही स्टडी करना है। लेकिन बच्चों जब मैट्रिक्स दिया रहेगा तो मैट्रिक्स में याद रखो कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया 1 2 3, ये जो ऑर्डर है कितना है, देखो इसमें कितने रो हैं, एक रो है R1 है, लेकिन कॉलम देखोगे तो इसमें तीन कॉलम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रो जो हो गया 1 और कॉलम कितना हो गया 3, ये 1x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स कहलाए। इसी तरह अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 दिया रहेगा तो ये रो हो गए आपके पास 3, R1 R2 R3, और यहाँ पर देखो कॉलम हो गए 1, तो ये कितना कहलाएगा, 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। लेकिन डिटरमिनेंट में देखो हमेशा क्या मिल रहा है, 2x2 या 3x3 ऑर्डर। और मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने का ये तरीका और डिटरमिनेंट को ये, याद करो क्लास 10 में आपने ना एक मेथड सीखा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से देखो तो डिटरमिनेंट में बेसिकली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का ही यूज करने वाले हैं। दो ऑर्डर को तो सॉल्व करना बहुत आसान है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ए बी सी डी डिटरमिनेंट में दिया है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा ए इंटू डी माइनस बी इंटू क्या होगा सी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको टाइप नहीं मिलेगा डिटरमिनेंट का, लेकिन मैट्रिक्स में जाओगे तो बहुत सारा टाइप मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपका कॉलमन मैट्रिक्स हो सकता है, रो मैट्रिक्स हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, बहुत सारे टाइप मिलते हैं, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट में देखो ना आपको क्या टाइप मिलेगा, या तो ऑर्डर मिल रहा है, यहाँ पर देखो ना 2x2 ऑर्डर, यहाँ पे कितना 3x3 ऑर्डर, और वहां पे तो ऑर्डर का वर्णमान है। ऑर्डर हम लोग रो इंटू कॉलम्स को बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों, रो इंटू कॉलम्स को। तो अभी हम लोग को डिटरमिनेंट में क्या करना है कि फर्स्ट जो है, आज मैं आपको बस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बताऊंगा 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर का, और इस पे बेस्ड और मान लो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो सेकंड इसके क्लास में मैं ना इसका प्रॉपर्टीज को बताऊंगा, ठीक है ना। डिटरमिनेंट में रो और कॉलम के ऑपरेशंस को बताएंगे, और प्रॉपर्टीज के बाद जो आएगा उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना बच्चों। और फिर हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट प्रोसेस से, क्रैमर रूल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट का मोटा मोटी करीब 5 या 6 क्लासेस जो है होंगे, ठीक है। और उसमें मैं कोशिश करूंगा सारा कॉन्सेप्ट कवर कर दूं, ठीक है। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बच्चों मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हमने अभी क्या स्टडी करना है, डिटरमिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, फिर हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे, और फिर जो सवाल बनेंगे बच्चों वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिक्स करके बनाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गया ना। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सिंपल, यहाँ डबल लाइन मत खींचना, डबल लाइन खींचोगे तो फिर वो मैट्रिक्स ही कहलाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का मैंने आपको मेथड बता दिया, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या ऐसे। और डिटरमिनेंट को अगर प्रेजेंट करना है तो डिटरमिनेंट को सिंपली आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो,
क्लियर है ना। तो अभी देखो सॉल्व करना आपने सीखा ना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने मान लो कि लिया 1, 2, 3, 4, तो आप इसको तो सॉल्व आराम से कर दो, 1 × 4 माइनस 2 × कितना 3, तो ये 4 माइनस कितना हो गया 6 बराबर माइनस 2, समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो इस तरीके से सवाल रहे एक्स 2, 3, x, ठीक है ना, 1, 2, 5, 6 कुछ इस तरीके से। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 × 2, 6, ये देखो 1 × 6, 6, 5 × 2 = कितना 10, समझ में आ रहा है ना। 5 × 2 = इस तरीके से देखो 1 × 6, 6, 5 × 2 = 10। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 और ये हो जाएगा माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 − 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 2, तो एक्स बराबर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो प्लस माइनस कितना √2। यही क्वेश्चन जब बच्चों मैट्रिक्स में दिया रहता है ना, तो वहां पे हम लोग को कंपेयर करना होता है, क्योंकि वहां पे मैट्रिक्स में क्या होता है, दो इक्वल मैट्रिक्स रहते हैं, और दो इक्वल मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा कहां पर होगा, डिटरमिनेंट्स में होगा, ठीक है ना। आप मैट्रिक्स को कभी भी मत करना, जैसे मान लो अगर दिया है ए बी सी डी, तो भूल से भी ए गुना डी माइनस बी गुना सी मत करना, ये गलत हो जाएगा, ये सिर्फ इसमें अप्लाई है, समझ रहे हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसमें अप्लाई है, डिटरमिनेंट में अप्लाई है। ओके, जैसे एक और सवाल में दे दो, जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया 5x 3 1 और यहाँ दे दिया 7x 2 1, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि हमें x फाइंड करना है, तो देखो क्या करोगे, 5 × 1 कर देना माइनस 3 × x, यहाँ 7 × 1 कर देना माइनस x × 2, ये देखो 5 − 3x हो गया और ये 7 − कितना हो गया 2x हो गया, तो 5 − 7 बराबर 3x − 2x, तो 5 − 7 − 2 और ये हो गया x, तो x का मान कितना हो गया बच्चों −2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया ना 2 × 2 ऑर्डर वाला कहानी, क्लियर है ना। कोई भी अगर टू ऑर्डर में दिया रहेगा, जैसे −1 − 2 − 3 − 4 ये दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, तो क्या करना −1 × −4 और −−2 × −3, तो ये देखो कितना हो जाएगा −1 × −4 + 4 − −2 × −3 + 6, तो देखो 4 − 6 बराबर कितना −2, समझ में आ रहा है ना। तो टू ऑर्डर को सॉल्व इसी तरीके से करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 3 × 3 ऑर्डर के रूप में अगर डिटरमिनेंट दिया रहेगा तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नोट कर लेना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, ठीक है। आज बहुत बेसिक क्लास है डिटरमिनेंट का, बस एज इंट्रोडक्शन के रूप में आप मान के चलो, यहाँ पे बस हम आपको डेटा को जो रो और कॉलम में अरेंज किया गया है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे यही सिखा रहा हूँ, इसका बहुत यूज होगा सवालों को बनाने के दौरान, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास बच्चों होगा प्रॉपर्टीज बेस्ड डिटरमिनेंट के, मैं सारे प्रॉपर्टीज को बताऊंगा और उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग फिर सवालों को बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना हो सकता है कभी कभी बहुत चैलेंजिंग हो जाए आपके लिए। जैसे देखो बच्चों तीन ऑर्डर में मैं आपको यहाँ पे एक सेट दे देता हूँ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये आप एक सेट याद रखना, ठीक है ना। ये सेट हम लोग यूज करने वाले हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैंने सेट के अंदर लिखा है जस्ट लाइक ए मैट्रिक्स के अंदर, नॉट वरी, मैं आपको बस सेट प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बच्चों देखो इसको आप रो वन बोलोगे, ये रो टू है, ये रो थ्री है, यहाँ पे देखो कॉलम वन है, ये कॉलम टू है और ये कॉलम थ्री है। बच्चों अगर कोई डिटरमिनेंट हमें दिया रहता है 3 × 3 ऑर्डर का, तो आप किसी रो या किसी कॉलम को लेके सॉल्व करो ना, तो आंसर सेम आएगा। हाँ बस ये साइन आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप रो वन लिए है तो साइन प्लस माइनस प्लस, रो टू लिए हो तो माइनस प्लस माइनस, रो थ्री लिए हो तो प्लस माइनस प्लस, या कॉलम वन लिए हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 5, 7, −3, 2, 5, 1, ठीक है, 8, 3 और
फोर दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर देते हैं, माइनस टू कर देते हैं। चलो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अलग अलग रो या अलग अलग कॉलम को लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं टेकिंग, कौन सा लो बोलो, टेकिंग आर वन ले ले पहले, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। ए का इस तरीके से आप सिंबल लगा सकते हो, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइव ले लिए, देखो फर्स्ट रो में ले रहा हूँ आर वन, तो यहाँ पे मैंने फाइव लिया। अब बच्चों जिसको लिए ना उसका रो और कॉलम को ढक दो, ये रो ढक दो ये कॉलम ढक दो, तो कितना बचा, माइनस टू वन थ्री फोर। फिर देखो सेकंड क्या है साइन, माइनस, तो ये टू के आगे माइनस लगा दो, तो माइनस टू। अब इसको लिए तो ये कॉलम ढक दो और ये रो ढक दो, तो क्या बचेगा, सेवन माइनस थ्री थ्री फोर। फिर देखो थर्ड साइन क्या है, प्लस, तो प्लस एट ले लिए, तो ये कॉलम ढक दो ये रो ढक दो, तो कितना हो जाएगा, सेवन माइनस थ्री माइनस टू वन। देखो बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं मैं, आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो माइनस टू इंटू फोर माइनस एट, थ्री इंटू वन थ्री, देखो माइनस हुआ ना, ये माइनस कहां से आया समझ में आया, जैसे कि ए बी सी डी था, हमने क्या किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, पहले ए को डी से मल्टीप्लाई किया था, देखो माइनस आया ना, अब बी को सी से मल्टीप्लाई, तो वही माइनस यहां पर है, ओके। फिर देखो माइनस टू, सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट, फिर माइनस, ठीक है, माइनस माइनस थ्री इंटू थ्री, तो माइनस नाइन, तो माइनस नाइन ये मिलकर फिर यहां पर प्लस हो जाएगा, चलो एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया यहां पर। फिर एट इंटू देखो सेवन इंटू वन सेवन, माइनस माइनस थ्री इंटू माइनस टू, तो देखो सिक्स हो जाएगा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, पूरा क्लियर करके लिख दो, चलो पूरा क्लियर करके लिख देता हूँ, देखो ऐसे मैं बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक एक पूरा लिख के बताता हूँ, फाइव है ना, तो यहाँ पे देखो माइनस टू इंटू फोर कर दिए, वन इंटू थ्री कर दिए, माइनस टू है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सेवन इंटू फोर कर दिए, माइनस माइनस थ्री इंटू थ्री कर दिए, प्लस एट, सेवन इंटू वन कर दिए, ठीक है, सेवन इंटू वन माइनस माइनस थ्री इंटू माइनस टू, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ। तो फाइव इंटू देखो माइनस एट और ये कितना हो गया, माइनस थ्री, माइनस टू, सेवन फोर से ट्वेंटी एट, और ये माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री से नाइन, प्लस एट सेवन, ये माइनस माइनस थ्री माइनस टू प्लस सिक्स, तो ये देखो फाइव और एट थ्री माइनस इलेवन माइनस टू, ठीक है। अब ट्वेंटी एट और नाइन को जोड़ दो, नाइन एट सेवनटीन और दो एक तीन थर्टी सेवन, एट इंटू वन, ये देखो माइनस फिफ्टी फाइव हो जाएगा, माइनस टू इंटू थर्टी सेवन, टू सेवन जो फोर्टीन, टू थ्री जो सिक्स वन सेवन, और प्लस कितना आठ, निगेटिव वाले टर्म को एक साथ जोड़ दो, देखो पांच चार नौ सात पांच बारह, तो माइनस वन ट्वेंटी नाइन प्लस एट बराबर माइनस वन ट्वेंटी वन। देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाओगे तो साइन क्या आएगा, निगेटिव नहीं आएगा ना। अब देखो इसी को हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं आर टू को लेके, तो आर टू को भी सोल्व करेंगे तो देखो आंसर कितना आना चाहिए, माइनस वन ट्वेंटी में, तो टेकिंग आर टू, टेकिंग आर टू, तो देखो ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, जब आर टू बोलोगे तो ये सेवन लेंगे, देखो इधर ले रहे हैं आर टू, यहाँ पे देखो सेवन लिए, तो देखो इस अब इस रो को जिसको लिए है उसका रो और उसका कॉलम को खत्म कर दो, लेकिन यहाँ सेवन के आगे देखो साइन क्या लगेगा, माइनस, ठीक है, तो ये माइनस प्लस का केवल क्लियर करना है, ओके। तो ये गया तो टू वन एट फोर, टू वन एट फोर, ठीक है ना। फिर प्लस, ठीक है, अब देखो रो प्लस और ये माइनस टू है, ध्यान दो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस टू है, तो प्लस और माइनस टू, तो आप यहाँ पे ऐसे माइनस टू लिख दो ताकि आपको टेंशन ना हो माइनस का। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम चला जाएगा, तो फाइव माइनस थ्री एट फोर, फाइव माइनस थ्री एट फोर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ पर क्या करना है, थ्री लेना है, तो थ्री के आगे साइन क्या लगेगा, माइनस, तो देखो माइनस प्लस माइनस, तो फिर थर्ड कॉलम और सेकेंड रो को खत्म कर दो, नहीं सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो गया फाइव माइनस थ्री टू वन, फाइव माइनस थ्री टू वन हो जाएगा ना। अब सॉल्व करो, देखो सॉल्व करते हैं, माइनस सेवन, फोर टू जाए एट, एट वन जा एट, ये प्लस माइनस देखो माइनस टू हो जाएगा, फाइव फोर जे ट्वेंटी, माइनस एट थ्री जे माइनस ट्वेंटी फोर, तो प्लस ट्वेंटी फोर,
माइनस थ्री, फाइव वन जब फाइव, थ्री टू जब माइनस सिक्स, ये माइनस माइनस प्लस सिक्स। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक बार करके दिखा दिया था कैसे माइनस कर रहे हैं। ओके, तो माइनस सेवन इंटू, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू इंटू ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी मिलकर फोर्टी फोर होगा, माइनस थ्री इंटू सिक्स फाइव इलेवन, तो ये तो जीरो, माइनस एट्टी एट और माइनस थर्टी थ्री, तो आठ तीन एक ग्यारह, आठ तीन एक ग्यारह एक बारह, माइनस वन ट्वेंटी। देखो दोनों में सेम आया ना कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चों तीन ऑर्डर का जब दिया रहेगा ना डिटरमिनेंट, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से लेके सॉल्व करो ना, आंसर सेम आएगा। अब किससे ले ले, किसी कॉलम से ले ले। चलो मैं यहां पर क्या करता हूँ, एक कॉलम ले लेता हूँ, टेकिंग सी वन ले लेते हैं। ठीक है, जब सी वन लोगे तो देखो कैसे करोगे, सी वन ये हो गया, ये वाला सी वन। ठीक, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट ए बराबर, देखो यहाँ पे फाइव लिए, फाइव लिए तो देखो फर्स्ट कॉलम चला गया और फर्स्ट रो चला गया। ठीक है, और साइन प्लस है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट हो गया, माइनस टू वन थ्री फोर, माइनस टू वन थ्री फोर, फिर देखो प्लस फाइव, फिर माइनस सेवन, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस सेवन आ जाएगा, और देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम जाएगा, टू वन एट फोर बचेगा, टू वन एट फोर, और फिर प्लस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो चलो प्लस माइनस माइनस करेंगे एक बार। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को हटा देंगे, देखो ना ये हटा क्योंकि माइनस थ्री ले रहे हैं, तो टू माइनस टू एट थ्री, टू माइनस टू एट थ्री। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो क्या माइनस वन ट्वेंटी बना रहा है, तो ये फाइव इंटू माइनस टू इंटू माइनस प्लस फोर माइनस एट, और माइनस वन इंटू थ्री माइनस सेवन, टू फोर जो एट, और ये माइनस एट, प्लस माइनस माइनस थ्री, टू थ्री जो सिक्स माइनस, एट टू जो सिक्सटीन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एट टू जो सिक्सटीन, तो देखो आठ तीन ग्यारह, ग्यारह पच्चे कितना पचपन हो जाएगा, और ये देखो माइनस सेवन इंटू जीरो, और सोलह और छह मिलके कितना हो जाएगा, सोलह चार बीस, दो बाईस, बाईस तीन छियासठ, सिक्सटी सिक्स, ये तो जीरो हो गया, तो छह पांच ग्यारह, छह पांच ग्यारह, छह पांच ग्यारह, छह पांच ग्यारह एक बारह, देखो माइनस वन ट्वेंटी वन है। तो आप किसी भी तरीके से लो ना, कोई भी रो या कॉलम से सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन करेक्ट आएगा। ओके, समझ में आया ना? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और एक जो जनरल आपका फॉर्म है ए वन ए टू ए वाला कंडीशन, उससे आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करके सिखा देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, फिर सवाल आएंगे। ओके, तो बस आज इंट्रोडक्शन है पूरा डिटरमिनेंट का। चलो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और बनाओ, साथ में बनाओ, सिर्फ लेक्चर को देखो मत। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे साथ में बेटर रहेगा। देखो बच्चों, जैसे कि मान लो मैंने ए बराबर लिख दिया ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। ठीक है, ए वन वन का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ए वन टू का मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ए वन थ्री का फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ए टू वन का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ए टू टू का मतलब सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ए टू थ्री का मतलब, तो ये हो गया रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को, समझ गए ना? पहला डिजिट रो, दूसरा कॉलम। ओके, तो देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए वन वन लिए, जैसे मान लो हमने आर वन को लिया, किसको लिया, आर वन को। ठीक है, तो देखो टेकिंग, अगर हम आर वन को लेते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला मत याद करो, कॉन्सेप्ट, ये तो मैं समझने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको गुना में प्रॉब्लम ना हो। तो देखो ए वन वन लिए, तो ये गया ये गया, तो देखो ए टू टू, ए थ्री टू, ए टू थ्री, ए थ्री थ्री आ जाएगा, फिर माइनस ए वन टू लेना, साइन अभी मैंने बताया ना क्या साइन लेना है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, जिस भी रो या कॉलम से लो साइन को ध्यान देना। देखो ए वन टू लिए, ये गया तो क्या बचा, ए टू वन, ए थ्री वन, ए टू थ्री, ए थ्री थ्री, फिर देखो प्लस ए वन थ्री लिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, तो ए टू वन, ए थ्री वन, ए टू टू, ए थ्री टू, क्लियर है?
अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ए वन वन ए टू टू को मल्टीप्लाई करना ए थ्री थ्री से और ए थ्री टू को मल्टीप्लाई करना ए टू थ्री। यहाँ पे देखो ना हमेशा ये ना रेसिप्रोकल रहेगा, देखो थ्री टू टू थ्री, टू टू थ्री थ्री, इस तरीके से ये सेम सेम डिजिट होगा। और यहाँ पे जब अपोजिट होगा तो देखना ये उल्टा होगा एक दूसरे का। फिर ये ए वन टू ए टू वन इंटू ए थ्री थ्री करेंगे और माइनस ए थ्री वन इंटू ए टू थ्री। अच्छा यहाँ पे चेंज हो गया ना, हाँ तो ए टू वन इसको ऐसे करना, ठीक है। और फिर ये कितना हो गया ए वन थ्री ए टू वन इंटू ए थ्री टू करना माइनस ए थ्री वन इंटू ए टू टू करना। अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें माइनस प्लस करना। तो ये स्टेप्स आप यूज करोगे और डिटरमिनेंट कोई भी क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बना सकते हैं ना। जैसे कभी कभी ना आपको इस तरीके से क्वेश्चन देता है कंफ्यूज करने के लिए कि a बराबर मान लो 1 2 5 7 दे दिया, अब बोलेगा फाइंड 5a, ठीक है 5a में डिटरमिनेंट लगा दिया, अब क्या करोगे, ठीक है। एक तो ये दे दिया, देखो हम दो क्वेश्चन बता रहे हैं, एक दे दिया फाइंड 5 डिटरमिनेंट है और दूसरा दे दिया कि 5a का डिटरमिनेंट। अब देखो दोनों दो सवाल हो गए। तो बच्चों ये दे दिया है मैट्रिक्स में, ये क्या चीज में दे दिया है मैट्रिक्स में, और सवाल हमसे डिटरमिनेंट का पूछ रहा है। तो मैट्रिक्स तो अभी पढ़े नहीं, इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे डिटेल। तो यहाँ पर करना क्या है आपको समझना होगा थोड़ा सा। इस अगर हमसे मान लो कि ये वाला फर्स्ट वाला पूछा फाइव डिटरमिनेंट है, तो कुछ नहीं करना है, फाइव कर दो और इस जो डेटा है ना रो और कॉलम वाला डेटा इसको सिर्फ डिटरमिनेंट में लिख दो, वन टू फाइव सेवन, देखो लिख दिए ना। अब कुछ मत करो, ये फाइव को बाहर रहने दो और इसको मल्टीप्लाई करो, वन इंटू सेवन सेवन, फाइव टू सर टेन, तो फाइव इंटू माइनस थ्री बराबर कितना आंसर हो जाएगा माइनस फिफ्टीन, ठीक है। लेकिन यही सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट में अगर देखो फाइव ए का डिटरमिनेंट बोल रहा है, इसका मतलब क्या है डिटरमिनेंट, अब फाइव ए ए की जगह पे देखो वन टू फाइव सेवन और ये ऐसा है, तो यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों कि मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, तो मैट्रिक्स के हर एक डिजिट में ना प्रोडक्ट हो जाता है, ये स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो फाइव से सभी में मल्टीप्लाई करना होगा पहले। तो फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो ये वाला सेट हट गया ना मैट्रिक्स का, बन गया कैसी में डिटरमिनेंट में, तो फाइव इंटू थर्टी फाइव हो गया और माइनस दस इंटू ट्वेंटी फाइव हो गया। समझ में आ रहा है ना, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फाइव फाइव से थर्टी फाइव, सॉरी फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव ना, और फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन और टू सेवेंटी, माइनस कितना टू हंड्रेड फिफ्टी। देखो ट्वेंटी फाइव को टेन से मल्टीप्लाई करोगे ना, फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और टू सेवेंटीन, और इसमें से आप डिवाइड ये कर दो, माइनस कर दो ना, तो ढाई सौ में से कितना घटा दो, वन सेवेंटी फाइव, तो आई थिंक माइनस सेवेंटी फाइव बच जाएगा, देखो बचेगा ना, इसको जोड़ोगे तो देखो ये छोटी संख्या है ना, बड़ी संख्या में घटाओगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाओगे तो कितना होगा माइनस सेवेंटी फाइव। तो इस तरीके से सवालों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आओगे कि डिटरमिनेंट को कैसे वर्क करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखेंगे। ओके थैंक यू।